फिफ्थ क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए लेस देन, या लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है, टू इंटू ए सी जमा बी डी? तो इसका अगर हम उत्तर लिखें तो वो है हाँ, ये सही लिखा हुआ है। और यदि इसका परमांश या उपपत्ति, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाएंगे। ए बी सी डी, और इसके दो विकर्ण भी खींचेंगे, एक विकर्ण ये है बी डी, थोड़ा हाथ टेढ़ा है, ये है, और दूसरा विकर्ण ये है। अब हम क्योंकि हमने ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सामने देखिए अंदर वाले पोर्शन में जहां ये प्रतिच्छेद करें, इसका हम बिंदु लिख सकते हैं ओ। चार त्रिभुज बन गई, एक दो तीन चार, इसके अंदर चार त्रिभुज है, और चारों त्रिभुजों पे हम वही नियम लागू करेंगे कि कोई की नहीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहले हम एक ट्रायंगल ले, ये ले ली ट्रायंगल ए ओ बी में, या त्रिभुज ए ओ बी में, देखिए इसमें दो भुजाएं लेंगे हम, कौन सी दो भुजाएं, ओ ए जमा ओ बी, ओ ए जमा ओ बी, ये बड़ी होंगी ए बी से, और इसका नाम वन रख दिया। दूसरी त्रिभुज ये लेंगे हम बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा करेंगे, एक भुजा ये लो एक भुजा ये ले, यानी कि ओ बी जमा ओ सी, ओ बी जमा ओ सी ग्रेटर देन बी सी, इसको समीकरण नंबर दो लिख देंगे। और तीसरी त्रिभुज ये लेंगे हम सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में, इसमें भी दो भुजाएं का योग थर्ड से बड़ा करेंगे, ओ सी जमा ओ डी, ओ सी जमा ओ डी ग्रेटर देन सी डी। और चौथी त्रिभुज ये है त्रिभुज ए ओ डी में, इसमें भी हम ये ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन डी ए, या ए डी भी लिख सकते हैं। इन चारों को जोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर को जोड़ने पर, जोड़ने का तरीका लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दो दो चार दो छह दो आठ भुजाएं लिखी हुई है, इन आठों को जोड़ेंगे, और इस साइड में एक दो तीन चार भुजाएं दी हुई है, इन चारों को जोड़ लेंगे। चलिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी जमा ओ सी और प्लस ओ सी जमा ओ डी प्लस ओ ए जमा ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन, ये हो जाएंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब यहां इसमें जब जोड़ करेंगे तो हम देख रहे हैं ओ ए दूसरी ओ ई ये दो बार आ गई, ओ बी दो बार, ओ सी दो बार, ओ डी दो बार, सारी भुजाएं दो बार है, तो हम दो को कॉमन निकाल लेंगे और एक एक बार इनका नाम लिख देंगे। इनका नाम भी इस प्रकार से लिखें जिस तरह से ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और प्लस ओ डी,
इन चारों का एक एक बार नाम लिख दिया और गुणा दो तो ये दो दो बार आ जाएंगे। इधर ए बी बी सी सी डी और डी एन को ऐसे ही लिखो क्योंकि ये चारों भुजाएं अलग अलग है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। अब ये जो चारों भुजाएं हैं ये दिखाई चार दे रही लेकिन है ये दो। देखिए कैसे हैं, ओ ए और ओ सी को अगर मैं जोड़ दूं, देखिए यहाँ इस फिगर में ये ओ ए है ये ओ सी है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया, ए सी बन जाएगा। तो ओ ए के साथ जोड़ो ये ओ सी और प्लस ओ बी के साथ जोड़ो ओ डी, ये दो एज इट इज लिखना है। ग्रेटर देन ये भी ऐसे ही लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ओ ए जमा ओ सी क्या बन गया, ओ ए जमा ओ सी की जगह हमने लिख दिया ए सी और ओ बी जमा ओ डी को अगर इस फिगर में देखेंगे तो ओ बी प्लस ओ डी करते ही हमारे पास आ जाएगा बी डी और ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब यहां देखिए जो हमने प्रूव करना था वही चीज हमारे सामने है। हमने प्रूव क्या करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन छोटी है 2 इंटू ए सी जमा बी डी से, और वो चीज यही आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीज बड़ी है इससे, या हम कह सकते हैं ये चारों छोटी हैं इससे। तो हम इस पोर्शन को पहले लिख ले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। अब यहां निशान जो ये निशान है ये पलट जाएगा क्योंकि तो ग्रेटर देन का था, क्योंकि हमने इस पोर्शन को इस साइड में लिया है इसलिए निशान छोटा हो जाएगा। और डबल ये इस साइड में लिख दो, ए सी प्लस बी डी, और यही हमने सिद्ध करना था तो हम लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। अब हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है दूसरी 15 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम मान लें कि ये 12 सेंटीमीटर है ये 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा कितनी होनी चाहिए ये बताना। तीसरी भुजा की लंबाई या माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। अब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 12 प्लस 15 ये बड़ा होना चाहिए इस तीसरी भुजा से, ये भुजा प्लस ये भुजा इस तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। या हम ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का माप 12 प्लस एक्स बड़ी होनी चाहिए 15 से, एक्स प्लस 12 बड़ी होनी चाहिए 15 से, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं एक्स और 15 का योग बड़ा होना चाहिए 12 से, एक्स प्लस 15, या लिख सकते हैं तीसरी स्थिति एक्स प्लस 15 बड़ी होनी चाहिए 12 से। ये तीन स्थिति अब आपके सामने है, अगर इनका योग करें तो 27 ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स से, और अगर इसमें हम देखें एक्स प्लस 12 ग्रेटर देन 15 लिखा है, अगर इस 12 को इस साइड में अगर मैं ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 15 में से 12 घट जाएगा तो x ग्रेटर देन 3 रहा। और यदि इसको 15 को उधर ले जाएं
तो एक्स ग्रेटर देन होगा 12 घटा 15, या यूं कि ये एक्स ग्रेटर देन होगा -3। 12 में से 15 को घटाएंगे तो -3। अब माइनस वाले तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी भुजा या कोई भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए तो हम इसको ऋणात्मक मान को छोड़ देते हैं, ऋणात्मक को छोड़ देते हैं। क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती या माइनस में नहीं होती, तो ये दो स्थिति आपके सामने बचेगी। ये स्थिति क्या कहती है, अब देखो इस ये कहता है 27 बड़ा है एक्स से, या यूं कि ये एक्स छोटा है 27 से, एक्स छोटा है 27। एक बात तो ये, दूसरी ये है कि एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है 3 से, यानी कि एक्स 27 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 और 27 के बीच में होना चाहिए, ये पूछा गया ना। तीसरी भुजा की लंबाई या माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, अतः तीसरी भुजा की माप तीन सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच कौन सी होती है, 3 से 27 के बीच में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि 3 और 27 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 3 कहाँ से आया, 12 और 15 का अंतर ले लेंगे, 15 में से 12 घटा दिया, 3 बच गया, और 27, 15 जमा में 12 दोनों को जोड़ कर लेंगे, तो इनका योग 27 और इनका डिफरेंस यानी अंतर 3, इसलिए 3 और 27 के बीच में इनको होना चाहिए। अब क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज समाप्त। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू।